दोस्तों अगर आप भी इंडियन नेवी अग्निवीर AMRSSR की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है रक्षक ऐप पर। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और चेक कीजिए। यहां पर सबसे पहले जाकर आप साइन अप कीजिए, साइन अप करने के बाद डेमो मॉक लगाइए और अगर आपको ये टेस्ट सीरीज पसंद आती है तो आप जरूर परचेज कीजिए। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये इंडियन नेवी एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार की गई है और ये बहुत ही बेस्ट लेवल की टेस्ट सीरीज है। यहां पर अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो आप 349 रुपीज में ही परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरा कोड ABSTUDY50 यूज करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा और आप 175 रुपीज में परचेज कर पाएंगे। तो इंडियन नेवी AMRSSR को अगर क्रैक करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में या आपका लास्ट अटेम्प्ट है तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही जबरदस्त साबित होने वाली है। तो जाइए डिस्क्रिप्शन के द्वारा डाउनलोड कीजिए और उसके बाद इस टेस्ट सीरीज का डेमो लगाइए, अच्छा लगे तो जरूर लीजिए। और साथ ही साथ अगर आप ले लेते हैं तो मुझे व्हाट्सएप करना ना भूलें इस नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर है, ताकि मैं आप लोगों को लास्ट टाइम पर महा PDF प्रोवाइड कर सकूं फ्री में। जो भी ये टेस्ट सीरीज प्रोसेस करेंगे उन सभी को फ्री में ये महा PDF दी जाएगी एग्जामिनेशन से कुछ दिनों पहले। जाइए फायदा उठाइए। 121 नंबर क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करना था। क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन है? Who is the first Indian woman to become the Deputy Governor of Reserve Bank of India? प्रतिभा राय, KJ उदेसी, मधुर जाफरी और अन्य। इसके लिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि KJ उदेसी। KJ उदेसी जो है ये प्रथम भारतीय महिला बनी जो कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की उप गवर्नर बनी, यानी डिप्टी गवर्नर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? Who was the first women लोकसभा स्पीकर? श्रीमती सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, मीरा कुमार और विमला देवी। इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मीरा कुमार। मीरा कुमार प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी और उसके बाद दूसरी सुमित्रा महाजन बनी। ठीक है, याद रखना है ये दोनों अभी तक महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी हैं और अभी वर्तमान में ओम बिरला हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? Who was the first home minister of India? विष्णु देव साई, श्री बेनी प्रसाद वर्मा, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य। इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे जो कि जवाहरलाल नेहरू की जब सरकार थी वो प्राइम मिनिस्टर थे तो ये गृह मंत्री बने थे और इन्हें माना जाता है कि जो हमारा देश अभी एकता के सूत्र में बंधा हुआ है, कश्मीर और ये सब समस्याएं जो थी इसको हल करने में सबसे ज़्यादा योगदान इनका था और इसीलिए इसी एकता को बनाए रखने के लिए और इसी चीज़ को याद करते हुए इनका जो है स्टैचू भी बनाया गया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो उसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे, तो अगर आपको नॉलेज हो तो आप ज़रूर एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। चलो आगे बढ़ते हैं। 124 नंबर, भौतिक विज्ञान में नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? Who was the first Indian to get Nobel Prize in Physics? CV रमन, JJ थॉमसन, कैलाश सत्यार्थी और मदर टेरेसा। सही जवाब हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि CV रमन। CV रमन was the first Indian to get Nobel Prize in Physics। फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय CV रमन थे। अब CV रमन जो थे इनको कब पुरस्कार प्राप्त हुआ था? इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1980 में। कब प्राप्त हुआ था? 1980 में, 1980 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था फिजिक्स के क्षेत्र में। ठीक है, और सबसे पहले जो है नोबेल पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था? वो प्राप्त हुआ था भारत में रविंद्रनाथ टैगोर को। और किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? Who was the first Indian to get Nobel Prize in Medicine? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, नील रिवर्ग फिनसेन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना और अमर्त सेन। सही जवाब हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना।
वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे पहले वो भारतीय हरगोविंद खुराना थे जिन्हें कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और इन्हें कब पुरस्कार प्राप्त हुआ था, इन्हें मिला था 1968 में, 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को मेडिसिन के क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और ये पहले भारतीय थे जिन्हें कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इन्हें किस विषय में प्राप्त हुआ था, तो इन्हें प्राप्त हुआ था एंटीबायोटिक का शरीर पर किस तरह का व्यापक असर होता है उसके बारे में इन्होंने अध्ययन करा था, पता लगाया था, तो उसी के लिए इन्हें प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, रविंद्रनाथ ठाकुर, अमर्त सेन, वेंकटरामन रामकृष्णन और अन्य। इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमर्त सेन। अमर्त सेन वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र में इन्हें सबसे पहले प्राप्त हुई नोबेल प्राइज। ठीक है, किसे, अमर्त सेन को। कब प्राप्त हुई, तो इन्हें प्राप्त हुई 1998 में, 1998 में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ किस क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, 127 नंबर, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन था। हु वाज द फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर सिंह और अन्य। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज द फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत के प्रथम सिख प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन थी। हु वाज द फर्स्ट इंडियन विमेन टू रिसीव नोबेल प्राइज, 128 नंबर क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, किरण बेदी और सरोजिनी नायडू। इसके लिए सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मदर टेरेसा। मदर टेरेसा जो थे यही प्रथम भारतीय महिला थी जिन्हें की नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब नोबेल पुरस्कार इन्हें क्यों प्राप्त हुआ था, इन्हें प्राप्त हुआ था शांति के क्षेत्र में, यानी पीस के लिए नोबेल होता है, साहित्य के लिए होता है, फिजिक्स के लिए होता है, केमिस्ट्री के लिए होता है, तो अलग अलग जो है ये कैटेगरी है, तो इन्हें जो है किसमें मिला था, पीस के लिए मिला था, यानी शांति के क्षेत्र में मिला था। और इन्हें कब प्राप्त हुआ था, इन्हें प्राप्त हुआ था 1979 में, 1979 में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था पीस के क्षेत्र में, यानी शांति के क्षेत्र में। ठीक है, चलो। वाज द फर्स्ट विमेन टू रिसीव भारत रत्न, श्रीमती पी के गेसिया, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती बछेंद्री पाल और सुश्री सुष्मिता सेन। सही जवाब इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त हुआ था। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी, इंदिरा गांधी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी। हु वाज द फर्स्ट फीमेल डॉक्टर, ममता बनर्जी, प्रेमा माथुर, कादम्बिनी गांगुली और अन्य। देखो इसके लिए कंफर्म आंसर नहीं है, लेकिन दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो कादम्बिनी गांगुली या फिर मदर टेरेसा, तो ये दोनों होंगे। थोड़ा सा आप भी रिसर्च करना और उसके बाद कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहते हैं। इन व्हाट प्रोपोर्शन डू द थ्री हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स रिमेन इन द नेशनल फ्लैग ट्राइकलर, 3:2:1, 2:2:2, 1:1:1 और अदर। तो इसके लिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1:1:1 के रेशियो में रहते हैं राष्ट्रीय ध्वज में जो तीनों क्षैतिज पट्टियां होती हैं, यानी थ्री हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स जो होते हैं, जैसे कि एक हो गया सैफ्रॉन, एक हो गया वाइट और एक हमारा ग्रीन। तो ये तीनों जो हैं ये 1:1:1 के रेशियो में रहते हैं, आप तो खुद ही जानते हैं, ये देखा भी है आपने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है। व्हाट डज द डार्क सैफ्रन कलर ऑफ द नेशनल फ्लैग इंडिकेट, ताकत और साहस, शांति और सत्य, विकास और उर्वरता और अन्य। इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ताकत और साहस। राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा तिरंगा है उसमें जो गहरा केसरिया रंग होता है वो
क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है ताकत और साहस, हमारे देश की ताकत को और हमारे देश की साहस को, ठीक है। यानी कि द डार्क सैफ्रॉन कलर ऑफ द नेशनल फ्लैग इंडिकेट द स्ट्रेंथ एंड करेज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 133, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? विच कलर रिमेन्स एट द टॉप ऑफ द नेशनल फ्लैग ट्राइकलर? सफेद, हरा, गहरा केसरिया और सफेद और हरा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डार्क सैफ्रॉन, यानी कि गहरा केसरिया रंग तिरंगा के सबसे ऊपर रहता है। डार्क सैफ्रॉन कलर रिमेन्स एट द टॉप ऑफ द नेशनल फ्लैग ट्राइकलर। नेक्स्ट क्वेश्चन 134, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है? विच कलर इज इन द मिडिल इन द नेशनल फ्लैग? सफेद, हरा, केसरिया, सफेद और हरा। सही जवाब हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सफेद, और इसी में जो है अशोक चक्र भी होता है, ये भी आप लोगों को पता है। तो ये होता है बीच में, सबसे ऊपर होगा डार्क सैफ्रॉन, उसके बाद सफेद। ओके, नेक्स्ट मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? विच कलर रिमेन्स एट द बॉटम ऑफ द नेशनल फ्लैग? सफेद, हरा, गहरा केसरिया और सफेद और हरा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरा। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसमें सबसे नीचे जो है यानी बॉटम में जो रहता है वो कलर है हरा, ग्रीन कलर, ठीक है। सबसे ऊपर रहेगा सैफ्रॉन, बीच में जो है वाइट और सबसे लास्ट में यानी कि बॉटम में जो है वो हरा, यानी ग्रीन कलर, याद रखना इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? व्हाट इज द लेंथ एंड विड्थ रेशियो ऑफ द नेशनल फ्लैग? 2:2, 2:3, 3:2, 1:2। तो सही जवाब हो जाएगा संकेत है। What does the white flag of the national flag tricolor signify? विकास और सत्य का, साहस और विकास का, शांति और सत्य का और अन्य। इसके लिए सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शांति और सत्य का। जो हमारी सफेद पट्टी है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की, वो जो है वो शांति और सत्य को दर्शाती है। द व्हाइट फ्लैग ऑफ द नेशनल फ्लैग ट्राइकलर सिग्निफाई पीस एंड ट्रूथ ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? व्हाट डज द ग्रीन फ्लैग ऑफ द नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट? विकास और सत्य, विकास और उर्वरता को, शांति और सत्य को और अन्य। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विकास और उर्वरता को, ग्रोथ एंड फर्टिलिटी को दर्शाता है राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा है तिरंगा, उसका हरा रंग। यानी कि द ग्रीन फ्लैग ऑफ द नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट द ग्रोथ एंड फर्टिलिटी ऑफ इंडिया। तो याद रखना, जो हमारा सबसे ऊपर वाला है सैफ्रॉन पट्टी जो हमारी है, वो दर्शाती है किस चीज को? करेज को, और हमारी करेज को, और साथ ही साथ स्ट्रेंथ को। और जो हमारा बीच वाला होता है वो शांति को, ठीक है, पीस को, और जो हमारा लास्ट वाला होता है वो ग्रोथ और फर्टिलिटी को, ठीक है, याद रखना। चलो 139 नंबर, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द ट्राइकलर ऑफ द नेशनल फ्लैग? 22, 12, 24 और 25। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24। जो हमारा तिरंगा है उसमें जो चक्र होता है अशोक चक्र, उसमें 24 तीलियां होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? When did the Constituent Assembly of India adopt the draft of National Flag of India? 22nd of July 1947, 28th of July 1947, 17th of July 1947 or 22nd of July 1948। सही जवाब इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 22nd of July 1947 को, 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया था। ऑन 22nd of July 1947 The Constituent Assembly of India adopt the draft of National Flag of India, और इसे 15 अगस्त 1947 यानी 15th of August 1947 से लागू कर दिया गया, ठीक है। तो ये याद रखना, ये टोटल 20 क्वेश्चंस थे आज हमारा पार्ट
9 में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, जो भी आगे आने वाले टाइम में एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, और लाइक जरूर करना वीडियो को। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक बार फिर से बता देता हूँ, रक्षक पर जाकर मॉक टेस्ट जरूर लेना, बेस्ट तरीके की सीरीज अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए डेमो मॉक लगाइए, अच्छा लगता है तो जरूर लीजिए। साथ ही साथ यहां पर देख सकते हैं आप, टेलीग्राम के बारे में पूरा ही बता देता हूं। स्टडी विद अभिषेक ये मेन चैनल है, स्टडी विद अभिषेक डाउट सॉल्विंग और इंडियन नेवी स्पेशल ग्रुप है, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए ज्वाइन कीजिए, कोई भी डाउट होता है पूछिए। फिलहाल इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।